हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे नई वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तो आज से हम करने वाला है हिंदी ब्लॉग। तो आज मेरा पहला ही ब्लॉग है हिंदी में। आज तक मैंने मराठी में ब्लॉग किया, तो सपोर्ट कीजिए। तो मेरे चैनल का नाम है गौतम ब्लॉग। तो अभी दिन के हो रहे 9:00 कितने हो रहे 20 मिनट। और मैं अभी नहा के भी क्या आ गया हूँ स्टैंड पर हमारे गांव के, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ढलगांव गांव में, थोड़ा मेरा काम है बैंक का, तो इसलिए जा रहा हूँ। तो और खाना पीना खा के मैं आया हूँ सुबह सुबह। तो अभी बस आएगी, बस से जाएंगे हमारे इधर के लालपुरी। तो बहुत दिन के बाद मैं जा रहा हूँ बस में लालपुरी में, बहुत दिन के। हमारे गाँव का बस स्टैंड देखिए, मैं इधर बैठा हूँ और ये कुछ बस स्टैंड है, क्योंकि हमारा गाँव बहुत ही बहुत सिंपल है, बहुत छोटा गाँव है, इसलिए बस स्टैंड मतलब कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बैठने के लिए एक दो कुर्सियाँ है और कुछ नहीं। इधर बस आती है और इधर उधर से हम जाते हैं। तो इधर बैठ जो स्कूल के बच्चे थे उनकी गाड़ी भी आ गई और वो चले भी गए, हमारे अब तक नहीं आई बस। तो 10-20 हो गए, तो अब इसको आएगी देखेंगे। तो मौसम तो बहुत ऐसा बारिश का आ रहा है, बादल की तरह आ गए काले बादल, तो देखते हैं आज बारिश आएगी नहीं, तो देखते। क्या दिन थे वो भी स्कूल की, बहुत मुझे तो बहुत याद आते। नहीं, बस आ गए लालपुरी आ गई है हमारी, तो 10:30 हो रहे। तो चलो अभी जाते बस में बैठे। मौसम तो देखो बारिश का हो रहा है पूरा, तो बस है वो पुराने आए, हम तो वैसी बस नहीं थी, वो जो पुणे मुंबई में होते ना वैसी बस है। तो चलो बैठते पहले बस। ओए ओए ओ नहीं आता काय झालं त्याला, तर कोण नसते बरोबर आहे, ठीक आहे ठीक आहे। फाइनली बस में आ गया हूँ, बस में कोई नहीं है, बस पूरी खाली है, मैं और एक पैसेंजर है और जो कंडक्टर होते हैं ड्राइवर वही है, वो ही पैसेंजर ने मतलब मैंने टिकट विकेट निकाली, अभी स्टार्ट हो गई जर्नी। चलो चलते हैं। इधर कुछ दूसरे स्टैंड पर बच्चे हैं स्कूल के और पैसेंजर पर है। चलो फुल ऑन एंजॉय। तो अभी बस फुल हो चुके हैं, दूसरे स्टैंड पे बहुत सारे पैसेंजर थे और सभी No, you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. So finally, we're at our इधर गाँव था वो ढाव में, तो अभी जाता हूँ बैंक में, जो काम है वो काम करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। चलो चलते। ऐसा कुछ ढलगांव गांव है बड़ा, इधर हमारे गांव 3-4 गांव सबसे बड़ा गांव है इधर, और इधर ही सब चलते हैं। तो इधर बैंक कुछ जो इधर आते हैं हम काम को, तो पहले जाते हैं और काम करते। चलो तो कोई के गली गली से बैंक ऑफ इंडिया के तरफ आ गया हो, तो पहले काम करते हैं फिर आपको। तो फाइनली काम सब हो गया है, तो अभी थोड़ा हेयर कट मारते हैं और निकलते हैं। भाई है, भाई के साथ निकलते हैं, वो कॉलेज का होता है। तो चलो जाते हैं। ऐसा कुछ डलगांव है सबसे बड़ा पोपट, जो नई दुकान जो मेरे काम के थी वो बालू की दुकान बंद थी और दूसरे एक दुकान थे वो बंद थी, सबसे बड़ा पोपट हो गया। तो अभी चलते हैं कुछ तो खाते हैं, नाश्ता विश्ता करते हो फिर निकलते। चलो
इधर हमें आना पड़ता है डालगांव स्टेशन पे, इधर जाना पड़ा सोंगला जाना है तो इधर आना पड़ता है। उधर से 10 किलोमीटर दूर है लेकिन इधर ही आना पड़ता है। तो अभी भी मौसम बारिश का ही है। फाइनली हमारे गांव में हमने एंट्री मार दी है, तो चलो चलते हैं अभी। कटिंग वेटिंग कुछ नहीं की, दुकान सब बंद थे इसलिए। तो अभी देखते हैं कभी तो आएंगे, कल परसों कभी तो आएंगे। मेरे घर को आ गए, कटिंग वेटिंग कुछ नहीं हुई, दुकान सब बंद थे, तो देखेंगे अभी करने तो परसों जाएंगे। तो अभी कपड़े वपड़े बदलते, काम तो हो गया, जो मेन काम था वो तो हो गया। तो चलो गाड़ी बीड़े पे आ गया भाई भाई के साथ। चलो अभी धूप भी कुछ नहीं, मौसम अभी बारिश का है, काले काले ढक गए सब। दोस्तों फ्रिज भी सो गया, तो मम्मी ने कल डोसे का जो पीठ होता है वो किया था, तो मैं कर रहा हूँ खाने के लिए। चलो ओहो मस्त जैसा किया है, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है इसलिए किया, ये किया है अभी मैंने खुद से बनाई है। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, डोसा तो बोलते हो। डोसा में जो प्याज टमाटर डाल के मैंने किया है खुद से, तो अभी खाते हैं और आपको मिलते हैं। मौसम तो अभी बारिश का है, धूप कुछ नहीं है, तो चलो पहले खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो फाइनली खाना बिना खाते हो गया है, बहुत अच्छा किया था मैंने खुद से, फर्स्ट ट्रायल था तो अच्छा ही होगा, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो अभी थोड़ा काम करते हैं, अभी हमारी जो भैंस है उसको चारा डालना है और पानी भी दिखाना है। तो उधर खड़ी है भैंस हमारी, तो उसको पानी पिलाते, तो चलो। मौसम तो बारिश का ही आ गया था, धूप भी कुछ नहीं है, देखिए पूरा पूरा मतलब बादल काले काले बादल है। पहले पानी पिलाते हैं भैंस को। चारा खाए दो। अच्छा दोस्तों शाम को 5 और मैं अभी उठा, जैसे आज घर में गया वैसे ही सो गया, और अभी उठा हूँ तो अभी थोड़ा चाय भी पीते हैं और मूड फ्रेश करते हैं। फ्रेश वो दोपहर हुए थे, अभी कुछ नहीं, अभी क्लियर वातावरण है। सॉरी मौसम है तो ऐसा कुछ, उधर थोड़ा है इधर क्लियर है सब। दोस्तों शाम को हो रहे 7 बज रहे और मैंने कुछ लकड़ियाँ तोड़ दी कल के लिए, क्योंकि कल जो पानी गर्म करना पड़ता है तो लकड़ियाँ लगती है, तो लकड़ियाँ अभी तोड़ी, बहुत सारा पसीना भी आए तो अभी फ्रिज भी सोते अभी, तो चलो चलते फ्रिज भी सोते। तो दोस्तों 10 बज रहे रात के और खाना बिना खा के हो गया, तो चावल किए थे मैंने दोपहर ही खाए थे इसलिए नहीं खाना खाया, तो थोड़े चावल और आज टमाटर की सब्जी की थी मेरी पसंद के बहुत दिनों के बाद, तो दोनों को मिक्स कॉम्बिनेस करके खाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत पसंद आया। तो 10 बज रहे तो खाना बिना खा के घूम रहा हूँ इधर से, तो अगले आधे के आधे हम डालगांव गए थे हमारे लाल परी से बस से। तो ब्लॉग है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अगले ब्लॉग में मैंने कुछ ऐसे सरप्राइज है जो आपको दिखाने हैं, जो सरप्राइज मैंने लाए है। तो ब्लॉग देखते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आज का ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।